सभी को जानकारी है, पिछले 5 साल पहले से इसका बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था और अभी तक ऊपर फ्लोर खाली पड़ी हुई थी। हमारे सब्जी बेचने वाले मेन रोड पर बैठते थे, जिसे ट्रैफिक प्रॉब्लम भी आती थी, पब्लिक के लिए भी दिक्कत होती थी, उन्हें भी दिक्कत थी। हमने जिस दिन शासन संभाला है उसी से डायरेक्शन हमने दी थी, इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। मुझे प्रसन्नता है हमारे ईओ साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के कहने पे, उनकी डायरेक्शन पर ये काम किया। हमारे आने के बाद एक भी पेड़ नहीं कट सकता, इसके लिए सारी अरेंजमेंट कर दिए। और 40 लाख में से ये हमने 5 तारीख को प्रारंभ किया, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन चंद दिनों के अंदर 13 लाख प्लांट्स हम लगा चुके हैं पूरे बीटी एरिया। उनका कर्म सरकार के साथ कोटर्मिनस होता है। ऑटोमेटिकली ऑल दीज बॉडीज स्टैंड डिसॉल्व्ड ऑन द डे गवर्नमेंट पास। हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देने हैं। अभी हमने VCDCs, TCLCCs, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और 4 हमारे म्युनिसिपल बोर्ड्स, इन सबका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया है। दे स्टैंड डिसॉल्व, उनका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दे दिया। VCDCs के बारे के अंदर हमें शिकायत मिली, जहां भी गए सबने शिकायत की, मनरेगा स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों के उत्थान के लिए योजना है, वो उसमें उनके साथ काफी बेईमानी की जाती है। उनके खाते के अंदर पैसे आ जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उसको ना ये पता है मेरा खाता है, ना उसके पता है खाते जमा है। ये निश्चित रूप से मिली भगत से संभव है। मिली भगत इसमें बैंक की भी है, VCDCs की भी है और कुछ हमारे अधिकारियों की भी है। और सबसे बड़े कमी हमने जो पाई वो यह थी, मनरेगा के जॉब कार्ड जो बेनिफिशियरी उसके हाथ में रहना चाहिए, नियम यही है, किंतु यहां शिकायत ये मिली जो ठीक पाया हमने, जॉब कार्ड जो है VCDCs के चेयरमैन जो होते हैं वे उन्हीं के पास रहते हैं। इसलिए हमने ये डायरेक्शन इश्यू की है, आज से ये BDO की जिम्मेवारी होगी। ये VCDCs के पास जितने भी जॉब कार्ड हैं अपने पोजीशन में लेकर के 1 सप्ताह के अंदर बेनिफिशियरी के हाथ में आ जाना चाहिए। जो उसका बेनिफिट लेने वाला है, जिसके नाम से जॉब कार्ड है, उसके हाथ में रहना चाहिए।